हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो सभी बच्चे अपने अपने हिंदी भाषा माधुरी बुक, रफ कॉपी और पेंसिल लेके बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बड़े उ की मात्रा। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 2222 पेज नंबर ओपन कर लें। पेज नंबर 2222। तो बड़े उ की मात्रा। तो बेटा, बड़े उ की मात्रा को आपको पढ़ाने का हमारा मेन उद्देश्य है कि बड़े उ की मात्रा को करने के बाद आपको बड़े उ की मात्रा के सारे शब्द अच्छी तरह से पढ़ने के साथ साथ लिखने भी आ जाएंगे। तो बेटा, सभी अपनी बुक पेज नंबर 2222 ओपन करो। बेटा, पेज नंबर 22 करने से पहले मैं आपको उ की मात्रा के बारे में समझाना चाहती हूँ। छोटा उ, बड़ा उ। छोटा उ जो कि बेटा हमने पहले ही किया हुआ है, लास्ट वीक हमने छोटे उ की मात्रा की थी। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, छोटे उ की जो साउंड होती है वो होती है उ, और जो उसके लिखने का वे होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि छोटा उ हो चाहे बेटा बड़ा उ हो, जो इसका छोटा उ हो बड़ा उ हो ये व्यंजनों के नीचे लिखता है, ठीक है। व्यंजनों के पैरों के नीचे लगाया जाती है इसकी मात्रा। तो जो छोटे उ की मात्रा है उसका जो चिन्ह है जीरो लगा के हमने नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। यही किया था ना हमने, जीरो लगा के छोटा सा सी डालना है, जो सी है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। अब मैं आपको बड़े उ के बारे में बताती हूँ, जो आज हमारा मेन टॉपिक है बड़े उ की मात्रा। बड़े उ की मात्रा में बेटा जो बड़ा उ है उसकी जो साउंड होती है ऊ। जो उसको लिखने का चिन्ह होता है वो भी ध्यान से देखो, उसमें भी हम जीरो ही लगाते हैं पहले, जीरो लगा के इसमें जो जो होता है जीरो के बाद जो सी जाना है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, ऊपर से नीचे की तरफ। छोटे उ में जीरो लगा के सी नीचे से ऊपर की तरफ, बड़े उ में जीरो लगा के जो सी है वो ऊपर से नीचे की तरफ। क्लियर हुआ? अब देखो, म को छोटा उ मुंह, म को बड़ा उ मुंह, क को छोटा उ कु, क को बड़ा उ कु। जैसे कि मैंने बताया है कि जो उ की मात्रा है वो व्यंजनों के पैरों के नीचे लगती है, लेकिन र एक ऐसा व्यंजन है जिसके ये पैर के नीचे नहीं लगाई जाती, जिसके ये कहाँ लगती है, ये पीछे लगती है। जैसे र, र को छोटा उ रू, र, र का बड़ा उ रू। क्लियर हो गया बेटा सबको बड़े उ की मात्रा? तो बेटा, जैसे मैंने अभी बताया आपको बड़े उ की मात्रा का कि जो साउंड होती है वो ऊ होती है ऊ, और जो उसको लिखने का चिन्ह होता है जीरो लगा के नीचे की तरफ हमने सी लगा देना। अब ध्यान से देखो, प प्लस बड़े उ की मात्रा पू, क प्लस बड़े उ की मात्रा कू, फल फल, इसमें कोई मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ हुआ है। अगर इसी शब्द में हम देखो बेटा बड़े उ की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो कौन सा नया शब्द बन के आएगा, फ प्लस बड़े उ की मात्रा प्लस ल, फ उ, बड़ा उ मतलब फ को बड़ा उ फू, फूल। क्लियर हुआ सबको, दिखाई दे रहा है फूल। म ल मली, ये कोई शब्द नहीं होता। अब अगर इसमें हम बड़े उ की मात्रा लगाते हो तो देखो कौन सा नया शब्द बन के आएगा, म प्लस बड़े उ की मात्रा प्लस ली, मू ली, म को बड़ा उ मू ली। क्लियर हो गया बेटा सबको बड़े उ की मात्रा? जैसे कि बेटा मैंने पहले ही बताया है कि जो बड़े उ की मात्रा है वो व्यंजनों के नीचे लगती है, लेकिन द एक ऐसा व्यंजन है जिसके ये पैर के नीचे नहीं लगाई जाती है, बड़े उ की मात्रा ये पीछे लगाई जाती है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, द प्लस बड़ा उ की मात्रा प्लस प रूप, र का बड़ा उ रू, प रूप। इसी तरह देखिए, र प्लस बड़े उ की मात्रा प्लस प, र का बड़ा उ रू प, रूपा, किसी का नाम होता है रूपा, रूपा। अब देखो छोटे और बड़े उ में थोड़ा सा डिफरेंस बताने लगी हूं, ध्यान से देखना। सुन सून, सु सू, बुरा बुरा,
बू बू, पूजा पूजा, पू पू। क्लियर हो गया सबको? क से ज्ञ को बड़े उ की मात्रा लगाओ। तो पहले बेटा हम सारे व्यंजन लिखेंगे, क ख ग क से लेके ज्ञ तक सारे व्यंजन लिखेंगे और उसमें हमने बड़े उ की मात्रा लगानी है। अब देखो ध्यान से, क का बड़ा उ कु, ज का बड़ा उ जू, ध का बड़ा उ धू, व का बड़ा उ वु। जैसे कि मैंने बताया है कि उ की मात्रा व्यंजनों के पैरों के नीचे लगती है, लेकिन र में, र व्यंजन में ये पीछे लगती है। सबको पता चल रहा है, र का बड़ा उ रू, स का बड़ा उ सु। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 22 ओपन कर लें। बड़े उ की मात्रा देखकर और पढ़कर समझिए। फ प्लस बड़े उ की मात्रा फू, प प्लस बड़े उ की मात्रा पू, भ प्लस बड़े उ की मात्रा भू, ल प्लस बड़े उ की मात्रा लू। सबको क्लियर हो रहा है? चित्र देखकर समझिए और पढ़िए। तो यहाँ पे बेटा हमें चित्र दिए हुए हैं, हमने इसको अच्छे से देखना है, समझना है और पढ़ना है। फ को बड़ा उ फूल, ल फूल, फूल मीन्स फ्लावर, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, फ्लावर। सभी बच्चे आप सुंदर सुंदर से अपनी कॉपी पे लिखेंगे। ज को बड़ा उ जूता, जूता, जूता मीन्स शू, एस एच ओ ई शू। नेक्स्ट इज म को बड़ा उ मूली, मूली, मूली मीन्स रेडिश, आर ए डी आई एस एच रेडिश। सभी खाते हैं ना रेडिश। नेक्स्ट इज स को बड़ा उ सूरज, सूरज, सूरज मीन्स सन, एस यू एन सन। नेक्स्ट इज ड म र को बड़ा उ डमरू। अब देखो र में बड़े उ की मात्रा कहाँ लगी है? पीछे। क्लियर हुआ सबको? डमरू मीन्स डमरू, डी ए एम आर यू डमरू। नेक्स्ट इज क बक बड़ा उ बूतर, कबूतर, कबूतर मीन्स पिजन, पी आई जी ई ओ एन पिजन, कबूतर मीन्स पिजन। अब बेटा ध्यान दो, कहीं पे बड़े उ की मात्रा देखो अब हमारे लास्ट वाले व्यंजन के साथ आई है, जैसे रू में, कबूतर में दूसरे वाले व्यंजन के साथ बड़े उ की मात्रा आई है, फूल में पहले वाले व्यंजन के साथ बड़े उ की मात्रा आई है। सबको क्लियर हो रहा है? बड़े उ की मात्रा वाले कुछ और शब्द पढ़िए। ध का बड़ा उ धूल, धूल, धूल मीन्स डस्ट। भ का बड़ा उ भूल, भूल, भूल मीन्स मिस्टेक, कोई भी आपसे मिस्टेक हो जाती है उसको बोलते हैं भूल। फ का बड़ा उ फूल, फूल। ध का बड़ा उ धूप, धूप। स का बड़ा उ सूप, सूप। र का बड़ा उ रूप, रूप, रूप मीन्स शेप। अब देखो र में पीछे आई हुई है बड़े उ की मात्रा। इसी तरह देखो चूड़ी, पूड़ी, कूड़ी, सूती, जूती, छूती। क स का बड़ा उ र कसूर। अब देखो बेटा पहले दो पंक्तियों में आपने पहले वाले व्यंजन के साथ बड़े उ की मात्रा सीखी है, अब हम इस पंक्ति में हम दूसरे वाले व्यंजन के साथ बड़े उ की मात्रा सीखेंगे। कसूर, कसूर मीन्स फॉल्ट। मसूर, बबूल, मयूर, मयूर मीन्स पीकॉक, पीकॉक को हिंदी में बोलते हैं मयूर। खजूर, खजूर मीन्स डेट। कपूर, नकवा, खक बड़ा उ नाखून, बारूद, लड़ाकू। तरकवा, जक बड़ा उ तराजू, तराजू मीन्स बैलेंस। कचालू, रुमाल,
तरबूज, शहतूत, करतूत, मजदक बड़ाऊर, मजदूर, मश हक बड़ाऊर, मशहूर, मशहूर मीन्स फेमस, मजबूर, मजबूर मीन्स कंपेल, कारतूस, कारतूस मीन्स बुलेट्स, महसूस, महसूस मीन्स फील, कोई भी चीज को फील करते हो उसको महसूस करना बोलते हैं हिंदी में, खरबूजा, अमरूद, मजबूत, मजबूत मीन्स स्ट्रॉन्ग, महरूम। तो बेटा आज हमने पढ़ी है बड़े उ की मात्रा, हमने आज बड़े उ की मात्रा वाले वर्ड सीखे हैं। तो बेटा नेक्स्ट टाइम हम वर्ड्स के साथ साथ बड़े उ की मात्रा को वर्ड्स इन सेंटेंस हम पढ़ेंगे। तो बेटा आज आपने बड़े उ की मात्रा के 10 डिफिकल्ट वर्ड्स अपनी कॉपी पे सुंदर सुंदर करने हैं और अपने मम्मा को चेक करवाना है। बाय बेटा।